अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कतर दोहा में हूँ और कतर की नाइट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आप भी मज़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन कतर, तो देखते हैं। मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कतर में क्या नया है, कोशिश करेंगे। हम लोग इस वक्त कॉर्निश के एरिया में हैं और ली मेरिडियन में हमारा स्टे है और ये सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है। दोहा मॉल से 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। और ट्रेन स्टेशन भी बहुत करीब ही है, मेट्रो बहुत करीब है और मेट्रो से आप तकरीबन पूरे कतर को कवर कर सकते हैं। अगर हम लोग सुबह जाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा किस तरह से कवर कर सकते हैं। जिस स्ट्रीट पे हम लोग हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। ये देखिए, आपको रोहताना नज़र आ रहा है, सिटी सेंटर रोहताना। मैं दुबई में विला रोहताना में रह चुका हूँ, तो इनके होटल ही बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये सारे जो होटल्स हैं आपको अराउंड $150 से तक मिल जाते हैं और बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन साफ सुथरे होटल हैं। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ रूम के ऊपर, जो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा। ये पब्ली मेट्रो स्टेशन है, इसको एक्सप्लोर करते हैं किस तरह का है और सिम कितने की मिलती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे 150 कतरियाल की सिम मिलती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। डाउनटाउन दुबई की स्काई स्क्रिपर्स, और इस वक्त हम लोग मेट्रो के डाउनटाउन दोहा की स्काई स्क्रिपर्स, सॉरी मेरे दिमाग में बार बार दुबई आ रहा है। तो ये डाउनटाउन दोहा है, देखें लंबी लंबी बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग है, साफ सुथरा शहर है, हवा बहुत अच्छी लग रही है। हम लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, अब वहाँ जाके देखते हैं हमें जो मेट्रो कार्ड होगा, जिस तरह दुबई में नोल कार्ड है, वो कितने का मिलता है। लेकिन उसके उस नोल कार्ड पर इसको अच्छा खासा डिस्कवर कर सकते हैं। इवन मैंने ये सुना है कि आप एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। हम लोग अब मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब आ गए, अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग तो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, रश तो बिल्कुल भी नहीं है। कतर वो छोटा सा मुल्क है, तो हम रश को उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दुबई से इसका कंपेरिजन तो नहीं है, नीटनेस क्लीननेस बहुत ज़्यादा है। और आई होप कि ये लोग मुझे वीडियो भी बनाने देंगे। तो फाइनली हम लोग अब मेट्रो स्टेशन में एंटर हो गए, आई होप ये लोग मुझे वीडियो बनाने दें। इसकी सिमिलैरिटी दुबई के स्टेशनों की तरह ही है, ऑलमोस्ट सारी दुनिया में मेट्रो स्टेशन एक तरह के ही होते हैं। मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ, यहाँ पर वेंडिंग मशीन रखी हुई है, इस पर आप चिप्स वगैरह ले सकते हैं। इसकी रिचार्जिंग मशीन रखी हुई है, जिसका यूज़ जो होता है बिल्कुल आई गेस वेंडिंग मशीन तरह होता है, बट ये आई गेस कॉफ़ी मशीन है। इट्स अ ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन, इट्स नॉट अ वेंडिंग मशीन फॉर द चार्ज ऑफ कार्ड, इट्स अ कॉफ़ी मशीन। और ये है जो कतर मेट्रो जो है उसकी जो भी कार्ड है आपके पास कतर मेट्रो का, उसकी चार्जिंग मशीन है, इसके ज़रिए आपको चार्ज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर इंटर करेंगे, करेंसी इंटर करेंगे तो उसके बाद चार्ज कर लेंगे। हम लोग सर इसको देख रहे हैं, ट्रेन को ले जा रहे हैं यहाँ पर। मैं एक मोबाइल शॉप में गया था कि मुझे सिम मिल जाए, लेकिन सिम नहीं मिली। बोस कॉफ़ी, तो यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स हैं, आप उन शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह ट्राई कर सकते हैं। ये एक और गो आ रहा है, ये भी कोई इनकी फ्रेंचाइज होगी, कोई इनकी आउट की फूड की आइटम होगी। इधर परफ्यूम फैक्ट्री आ गई सामने, और फाइनली हम लोग टू द ट्रेन लिखा हुआ आ रहा है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा टू द ट्रेन। हाँ, तो यहाँ जा रहे हैं, हम देखते हैं पूछते हैं इनसे क्या करते हैं ये लोग। हम लोग इस वक्त या आई अंडरस्टैंड, हम लोग इस वक्त मेट्रो के स्टेशन पर आ गए। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है, आप 6 कतरियाल का एक डे पास ले लें और उसके बाद आप उसके अंदर लेके घूमते रहें इसको। आप ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप 6 कतरियाल का पास लेंगे तो उसके ज़रिए आप पूरा दिन उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो ये अब बहुत अच्छा ऑप्शन है, रादर आप, क्योंकि मेरा सिर्फ 2 दिन का स्टे होगा यहाँ पर, तो 2 दिन के लिए 6 कतरियाल का पास लेना बहुत बेहतर है कम्पेयर टू मैं एक बड़ा पैकेज ले लूँ 30 रियाल का या 40 रियाल का। ये एक जो ये जो नॉर्मल कार्ड है ये 10 दिरहम का मिलता है, इसमें 10 दिरहम का बैलेंस होना चाहिए और इसको आप रिफिल कर सकते हैं। ये डे पास है,
ये आपको एक पेपर फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड डे पास है, जो आपको 6 रियाल का आप उसको पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको एक और गाइडलाइन लगी हुई है, इसमें आपको बताया रहेगा कि कहाँ जाना है प्लेस एंड, और आपको अगर टोरंटो टावर जाना है तो गेट 1 से निकलना है, आपको वैंडहम होटल जाना है तो 3 पे जाना है, M105 पे जाना है तो आपको यहाँ जाना है। तो एक अच्छी गाइडलाइन लगाई हुई है, आपको आसानी आप उस गेट से निकल सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर, तो हम सिटी सेंटर गेट देखेंगे और वहाँ से जाएंगे। दोहा सिटी सेंटर मॉल जो है वो गेट नंबर 2 से है, तो हम 2 पे जाएंगे अभी। ये देखिए गेट नंबर 2। अच्छा, आपको सऊदी अरब में दुबई में ई बाइक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, इसको आप, मुझे नहीं पता कुछ स्पेसिफिक कोई कार्ड होता है वो लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें घूम सकते हैं, और फिर जब इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए या आपका जो फेयर ख़त्म हो जाए तो आप उसको यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। यहाँ पर एक और बड़े ज़बरदस्त काम हो गया, सिम फ्री की मिल रही है आपको, ये इस पर लिखा हुआ है हाला 5G ओरिडो, हाला 5G ओरिडो की एक सिम है जो फ्री की मिल रही है। आप सब कुछ जैसे नो लंच तो फ्री लंच है, इसका भी ये सीन है। इसमें ये कि जब आप इसको लोगे फ्री में तो आपको $10 को 10 रियाल इसमें इसको अपडेट चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट वगैरह चाहते हैं तो आप 30 रियाल का इसमें बैलेंस फिल कराएं और उसको यूज़ करें। हम लोग 2 दिन के लिए हैं तो 30 रियाल बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। ये एक और इन्फॉर्मेशन है आपको कि आपको सिम फ्री की मिलेंगी, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा 30 रियाल के ऊपर, उसको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा आपको, और कुछ कॉल्स भी होंगी, मुझे पता नहीं कितनी कॉल्स है, जब आप एक्टिवेट कराएंगे तो आपको मैसेज आएगा। अच्छा जी, हम लोगों ने अब जो थोड़ा सा डिस्कवरी सब चीज़ें कर ली हैं, सिम का हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मेट्रो का पता चल गया, अब फाइनली हम लोग हार्डीज खा रहे हैं, और इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर कल जब इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको कतर को, तो फिर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।